नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। हिंसा मामले में 26 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस, एसटीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च किया है। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए इंटरनेट सर्विस को भी बंद किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बिहार के सासाराम से तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए इंटरनेट सर्विसेज को बंद किया गया है। एक और जानकारी आ रही है पश्चिम बंगाल के शिवपुर से, जहां पर हिंसा का नया वीडियो सामने आ गया है, जो आपकी स्क्रीन पर है, जहां उपद्रवी लोगों पर पथराव करते दिख रहे हैं। तनाव जारी रहा। बिहार शरीफ में दो समुदायों के बीच फायरिंग हुई, जबकि सासाराम में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बिहार से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार हिंसा जारी है। आपको बता दें कि सासाराम और नालंदा में एक बार फिर से बवाल देखने को मिला है। बमबाजी और फायरिंग की घटनाएं वहां पर सामने आई हैं। आरोप में आपको बता दें कि 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिहार के सासाराम में बमबाजी की घटना हुई और ऐसे में इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। सासाराम में हिंसा के बाद डर का माहौल। पुलिस फोर्स ने संभाला मोर्चा, लेकिन खत्म नहीं हुआ तनाव। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज जागरूक भारत।